हेलो फ्रेंड्स, विनू जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे पास रेडमी 9A का न्यू फ़ोन और फ्रेंड्स मैं इसको आपको हार्ड रिसेट यानी रिबूट सिस्टम करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए, इसके लिए आपको पहले पावर बटन के साथ वॉल्यूम अप बटन दबाए रखना है। तो पहले पावर बटन दबाइए, फिर वॉल्यूम अप बटन, जब तक स्क्रीन ऑन ना हो जाए। आपको जब स्क्रीन ऑन हो जाए तो आपको पावर बटन छोड़ देना है और वॉल्यूम अप बटन एक सेकेंड बाद छोड़ना है। जैसे आप एक सेकेंड बाद वॉल्यूम अप बटन छोड़ेंगे, फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, आप फाइनली पहुँचेंगे वाइप डाटा में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइप डाटा यहाँ पे ऑप्शन है, जो मैं आपको स्कैन करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे रिबूट सिस्टम का ऑप्शन दे रहा है, वहाँ पे वाइप डाटा, यहाँ पे आपको वॉल्यूम डाउन बटन से वाइप डाटा भी जाना है और यहाँ पे आपको पावर बटन से सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही पावर बटन से सिलेक्ट करेंगे, वाइप ऑल डाटा, वाइप ऑल डाटा पे आपको पावर बटन सेलेक्ट करना है। कन्फर्म वाइप ऑल डाटा, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कन्फर्म वाइप ऑल डाटा। इसको एक बार आप वॉल्यूम डाउन बटन से नीचे जाएंगे और कन्फर्म पे एक बार आप पावर बटन से सिलेक्ट कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है, हमारा फ़ोन वाइप डाटा स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि देख रहे हैं, बैक टू मेन मेन्यू, इस पर एक बार आपको डाटा वाइपर सक्सेसफुल, डाटा वाइपर सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर आपको पावर बटन से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाएंगे फाइनली मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में फ्रेंड्स आपको फ़ोन को रिबूट कर देना है डायरेक्ट। और फ़ोन को रिबूट करके, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन जैसे ही रिबूट करेंगे, रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर रिबूट पर आपको पावर बटन से एक बार आप सिलेक्ट कर देंगे और जैसा कि आप देख रहे हैं, रिबूट टू सिस्टम, इस पर एक बार आपको क्लिक कर देना है और फ़ोन रिबूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वेट करिए थोड़ा सा। जैसे रिबूट होता है, मैं आपको अब अगला स्टेप बताता हूँ कैसे कैसे आपको करना है। प्लीज़ प्लेस वेट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन हो रहा है मेरा रिबूट। और जैसे ही फ़ोन रिबूट होता है, मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा ही होगा, रेडमी में न्यू फ़ोन का, MI रेडमी में न्यू फ़ोन का आपने देखा ही होगा किस तरह से रिसेट हो रहा है फ़ोन, रिबूट हो रहा है। फ्रेंड्स, फाइनली ओल्ड या पुराने फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी आपको ऑप्शन आता था बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन है, आप रिबूट करें और वाइप डाटा करें। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही फ़ोन रिबूट होता है, मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देखते हैं, फ़ोन रिबूट होने में थोड़ा सा लगता है टाइम, तो अभी हमारा वो टाइम होता है ख़त्म, अभी हम करते हैं इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़ोन में ऑप्शन दे चुका है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज मांगता है कि आप इंग्लिश, जो लैंग्वेज आपको पसंद है फ्रेंड्स, वो आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ, इंग्लिश सीखिए। और यहाँ पे आप सर टेस्ट साइट पर करेंगे और चूज लैंग्वेज, जैसा कि आप देख रहे हैं इंग्लिश ही मेरा, तो इस पर कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म करेंगे, यहाँ पे आपकी कंट्री मांगता है, यहाँ पे मेरी कंट्री इंडिया है, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सेटिंग रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है। और इसके बाद अगला स्टेप आएगा, जैसे ही अगला स्टेप आता है, मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने कोई ईमेल आईडी लॉक है या आपका ईमेल आईडी लॉक है, तो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिखाता है, एक छोटा सा ताला जैसा ऑप्शन दिखाता है कि आपका फ़ोन लॉक है। आपको वाईफाई कनेक्ट या फ़ोन की नेट कनेक्ट करा के आपको वाई FRP करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स कोई ईमेल आईडी लॉक नहीं है, तो यहाँ पे मैं स्किप करूँगा और स्किप करके मैं आगे बढ़ूँगा। जैसे ही आगे बढ़ूँगा, मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, चेक इन फॉर अपडेट, जैसे चेक इन फॉर अपडेट होता है, आगे का स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिस मे टेक ए फ्यू मिनट्स, यहाँ फ्रेंड्स कुछ मिनट लग सकते हैं, तो वेट करिए। यहाँ फ्रेंड्स बता भी रहा है कि कुछ मिनट आप वेट करें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिनट वेट कर सकते हैं आप। उसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, न्यू फ़ोन में कुछ रिबूट करने का सिस्टम, रिसेट करने का जो सिस्टम, कुछ अलग ही दे रहा है। तो इससे आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा करते हैं और वेट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, चेक इन फॉर अपडेट, इंस्टॉलिंग अपडेट्स यहाँ पे हो रहा है। और फ्रेंड्स
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर आपको अगला स्टेप बताते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं आपका इंतजार होता है खत्म, कॉपी ऐप डाटा यहाँ पे डोंट कॉपी पे आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही डोंट कॉपी पे आप क्लिक करेंगे जस्ट ए सेकेंड जब आपको जैसा कि आप देख रहे हैं चेक इन इन्फॉर्मेशन इन्फो आ रहा है, और आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपको स्टेप बताते हैं कैसे कैसे आपको करना है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं अगर आप ईमेल आईडी बनाना चाहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ से अगर आप ईमेल आईडी बना सकते हैं या आपकी पुरानी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो आप नई ईमेल आईडी भी बना सकते हैं। और आपको ईमेल आईडी नहीं बनाना तो आप यहाँ पे स्किप कर दें, और जैसे स्किप करेंगे आप यहाँ पे एक बार और स्किप करिए और यहाँ पे एक्सेप्ट पे आप क्लिक करिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बार ओके करेंगे, और जैसे कि आप देख रहे हैं एडिंग द फिनिशिंग, और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं फ्री ईमेल आईडी बनाने का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बार स्किप कर देना, और यहाँ पे स्किप करेंगे आप स्किप दिस स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट। तो जैसा देख रहे हैं आप मेरा फ़ोन हो चुका है फाइनली ऑन, और मैंने रिसेट कर दिया, और जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।